आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री मनीष फोगाट जी, SDM तोसा। आज के कार्यक्रम में एक निवेदन पर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर श्री मनीष फोगाट जी ने हमें समय दिया। समस्त विद्यालय परिवार, समस्त ग्रामवासी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही खुशी का समय है, बहुत ही आनंद का समय है कि आज जिस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिस धरती पर हम बैठे हैं, जिस भूमि पर बैठे हैं, ये कभी एग्रीकल्चर लैंड होते थे, इस पर फसल उगाई जाती थी। आज़ादी का समय 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, शिक्षा के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था ग्रामीण क्षेत्र में, और उस विपन्न अवस्था में, उस दरिद्र अवस्था में जब देश आज़ाद हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ है, आचार्य विनोबा भावे पूरे भारतवर्ष में भूदान आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, एक ऐसे दौर में उनसे प्रेरित होकर के इस गांव के एक सपूत स्वर्गीय साहब राम कोटलिया जी ने 1948 में, मैं SDM साहब का ध्यान चाहूँगा सर, 1948 में आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय देश की क्या दशा थी। 1948 में ये जमीन इस विद्यालय भवन निर्माण के लिए साहब राम जी ने निसंकोच भाव से ये जमीन डोनेट करते हैं। ये आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, और यहाँ से पता नहीं कितने अधिकारी, कितने बड़े व्यापारी, बड़े शख्सियत के रूप में इस विद्यालय से पढ़ करके हिंदुस्तान के कोने कोने में सेवा कर रहे हैं। जो मूल योगदान है वो धरती का योगदान देकर के स्वर्गीय साहब राम कोटलिया ने अविस्मरणीय योगदान देकर के, मैं कहता हूँ कि इन बच्चों के ऊपर, इस गांव के ऊपर एक बड़ा उपकार किया है। और उन्हीं की प्रतिमा आज 1948 में जो जमीन दी गई थी, उस जमीन को दिए हुए 73 साल हो गए हैं। आज 73 साल बाद उनके दो पुत्र हैं आज जो जीवित हैं, श्री बलवीर सिंह जी और प्रेम सिंह जी, तीन पुत्र उनके जो है स्वर्ग सिधार गए हैं। उनके पोतर और पुत्रों ने मिलकर के आज बहुत ही सुंदर अपने परिवार के मुखिया स्वर्गीय साहब राम कोटलिया की प्रतिमा यहाँ पर लगवाई है, और हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं SDM साहब का कि उन्होंने इस व्यस्ततम कार्यक्रम में आज साहब को, क्योंकि 11 बजे मीटिंग है, इसलिए साहब ने भी निर्देश जारी किए हैं कि कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त करना, हमें बहुत जल्दी 10:15 बजे साहब यहाँ से जाएंगे, तो 10:15 बजे तक हमने, हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे मैक्सिमम एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी साहब की उपस्थिति में हमने पूरी करवानी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा SDM साहब का और समस्त ग्रामवासियों का, और विशेष रूप से स्वर्गीय साहब राम कोटलिया के परिवार का कि उन्होंने इस अभूतपूर्व कार्य को अंजाम देने का काम किया। आज मंच पर बैठे हैं श्रीमती सुलोचना कोटलिया जी बैठी हैं, हमारे साहब राम कोटलिया के परिवार के सदस्य बैठे हैं, राजवीर BDC बैठे हैं, सबने मिलकर के, बलजीत सिंह जी बैठे हैं, विनय मास्टर जी बैठे हैं, राजपाल थानेदार जी बैठे हैं, और भी परिवार के काफी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक सार्थक रूप प्रदान करने में अहम भूमिका प्रस्तुत की है। मैं समस्त ग्रामवासियों का, विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित मान में सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, स्कूल के सभी स्टाफ सदस्य, प्राचार्य महोदय डॉक्टर श्री सुरेंद्र सिंह जी और श्री साहब राम जी के सुपुत्र, दोनों सुपुत्र श्री बलवीर सिंह और प्रेम सिंह जी, उनके पड़पोत्र संदीप और रणवीर जी, और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में आपने बुलाकर जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए बहुत ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज हम सब उस महान व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं
जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए शिक्षा की एक ज्योत जलाने का कार्य किया था। आज से लगभग 73 साल पहले सन 1948 में जब कोई सोच भी नहीं सकता था भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, इतनी बड़ी विचारधारा के साथ उन्होंने ये काम किया और 5 एकड़ ज़मीन शिक्षा के लिए उन्होंने दान में दी, जो वो एक बहुत महान कार्य है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। साथ ही सेठ फूलचंद जी जिन्होंने स्कूल की बिल्डिंग के लिए जो दान दिया है उनको भी मैं बहुत बहुत सादर नमन करता हूँ। जैसे ही मैं स्कूल में एंटर हुआ तो स्कूल की साफ सफाई, यहाँ का जो वातावरण देख के एक अलग ही एहसास मन में, एक बहुत ही खुशी का एहसास हुआ। बहुत ही कम स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे देखने को मिलते हैं, तो मैं यहाँ के स्टाफ को और प्रिंसिपल महोदय को बहुत ही शुभकामनाएं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने स्कूल को ऐसे संवार कर रखा है। जो सोच, जो एक विचारधारा साहब राम जी ने जिसकी शुरुआत की थी, आपने उसको बहुत ही सहेज कर रखा है। तो मैं आप सभी ग्रामवासियों का, स्टाफ सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह इस स्कूल को मेंटेन रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बात और मैं आग्रह करना चाहूँगा, आदेश तो नहीं कहूँगा अभी क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित हूँ। सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितने भी ये कार्यक्रम हैं जिनको अगर सीमित रखा जा सके तो बहुत बढ़िया होगा। ये हमारी भी सेफ्टी है और सभी अपने जो ये बच्चे बैठे हैं इनकी भी हमारी सेफ्टी होगी। तो जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मास्क पहनना, मैं देख रहा हूँ लगभग किसी ने तो मास्क पहन ही नहीं रखा, और जो पहनते हैं तो मेरी तरह नीचे कर रखा होगा। तो जो भी प्रोटोकॉल है उसको सही से फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, हम सिर्फ बता सकते हैं कि क्या करना है, तो इन प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करें ताकि हम अपने आप को और अपने बच्चों को इस महामारी से बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीर हम देख पा रहे हैं तो जिला SDM मनीष फोगाट जी देवड़ा स्कूल प्रांगण में पहुंच चुके हैं। आप जो भी सीधी तस्वीर देख पा रहे हो, यहाँ पे पहुंचे महोदय सर, सीधी तस्वीर देख पा रहे हो आप, कार्यक्रम की शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। विद्यालय प्राचार्य जी, ग्रामवासी व कोटरीय परिवार के सदस्यों के साथ आए हैं। तो हम SDM साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्कूल के प्रांगण के अंदर, माँ सरस्वती की वंदना के अंदर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँच चुके हैं स्कूल प्रांगण के अंदर। अपना बाजा
एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने की कोशिश भर है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से तो समय एसडीएम साहब जो अपने आप में मनीष फोगाट जी यहाँ पे पहुँचे जो आने वाले समय में और उन समाज के लिए हमेशा सदा सदा के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। आजादी के बहुत बड़े दानवीर साहब दान जो साहब राम जी जो मूर्ति स्थापना जो की जा रही है वहाँ पे जो आप सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं निर्माण के लिए भूमिदान की थी ऐसे पुण्य कार्य के लिए उनके परिवारजनों मुख्य अतिथि अभी यहाँ पे अपना मूर्ति की मूर्ति अनावरण जो अभी किया जाएगा मनीष फोगाट जी यहाँ पे अभी यहाँ पे करेंगे। फोटो तोड़ रुक जा। आज हम सब के लिए बहुत गौरव और सम्मान का विषय है कि हम एक ऐसे अद्भुत आयोजन का हिस्सा हैं इस अद्भुत कुंभ के साक्षी हैं जिसमें एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति की प्रतिमा अनावरण एसडीएम महोदय के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे इस आयोजन में शामिल किए। चलो सर मनीष फोगाट है टीम तो शाम से पहुंच चुके हैं यहाँ पे अभी स्टेज के ऊपर एसडीएम महोदय के साथ है जितने भी अतिथिगण हैं सबका विद्यालय परिवार में स्वागत है। हमारे विद्यालय दरी करवा जाओ दरी करवा लो दरी शायद दरी किस हटा देगा दरी किस दरी करवा दो